1997 में क्वेश्चन पूछा गया था, अ बॉडी कैन हैव द एक्सलेशन इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज जीरो एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ओके, पूछा गया किसी टाइम पे क्या अगर एक्सलेशन है बॉडी के पास तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। कैसे? अगर हम बात करें एक किसी बॉडी की, लाइक मैंने ऐसे फेंका किसी बॉडी को, ऊपर गया टॉप एट अ टॉप पोजिशन पे, उसकी स्पीड यहाँ पे तो वी जीरो हो गया, वी जीरो हो गया, बट ए ऑलवेज एक्ट करेगा जी, मतलब एक्सलेशन, या जी ऑलवेज एक्ट करेगा डाउनवर्ड, मतलब एक्सलेशन रहेगा एक्ट करेगा जब वेलोसिटी जीरो हो गई। ओके, मतलब एक्स ए तो सही है, ऐसा रीजन तो सही है, रीजन देखते हैं। अ बॉडी मोमेंटली, ठीक है ना, किसी मोमेंट पे, एक मोमेंट के लिए एट रेस्ट, जब किसी मोमेंट पे रेस्ट पे रहती है, कब रेस्ट पे रहती है, जब वह डायरेक्शन अपना चेंज करती है। बिल्कुल सही बात है, जब डायरेक्शन चेंज करती है तो कुछ मोमेंट के लिए वो रेस्ट पे आ जाती है। तो दोनों ऑप्शन दोनों सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इधर करेक्ट। ओके, थैंक यू।